अच्छा मुझको लगता है कि मुंबई के लोगों ने बारिश को ना एक्सेप्ट कर लिया है। कैसे ना करें, दिल्ली वालों ने नहीं किया कभी। आपके यहाँ पड़ती भी तो थोड़ी थोड़ी है ना आजकल। अभी जैसा आज हमारे किसी दिल्ली के हमारे दोस्त ने कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं पड़ती, बारिश और जगह पड़ती है, पानी हमको झेलना पड़ता है। द पावर ऑफ मनी एंड इन्फ्लुएंस जो हमारे देश में हमेशा प्रॉब्लम रहा है, वो आज तो कुछ जाइगेंटिक प्रोपोर्शन हो गया है वो। एंड बहुत डरावनी बात लग रही है, ये किस तरह का समाज बना रहे हैं हम लोग। मुझे कभी डर नहीं लगा डिस्कशन से। आज हो सकता है ऐसे? ना जी, कभी नहीं। हाय तौबा, परिवार में दो, हाय तौबा, इतने ऑपोजिट व्यूज के लोग साथ में दो सेकंड नहीं बैठ पाते आज। सिर्फ लोग, हम लोग अपने अपने पॉकेट में घूम रहे हैं, हम लोग एक तरह के पॉकेट में घूम रहे हैं, यू नो ट्रोल टाइप के लोग उन्हीं उसी दिशा में घूम रहे हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुनने को मिल रही। और मैं कहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। लेकिन अव्वल तो मुझे इतना काम मिला नहीं कि मुझे हाय इसको भी ना कहना पड़ रहा है, उसको भी ना कहना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ। मुझे जो दो चार चीज़ें मिलती हैं उसमें से एक मैं सिलेक्ट कर लेती हूं। मिल रहा है काम तो आपको? अच्छा काम मिला, अभी मिल रहा है। बहुत हाँ हाँ, तो कितने साल इंतजार किया मैंने, फिर काम मिल गया। अच्छा अभी नेक्स्ट काम क्या मिलेगा, अब उसका इंतजार करो। और नेक्स्ट अच्छा काम कब मिलेगा, वो तो सालों निकल जाएंगे इंतजार करते रहो। हम लोग अपनी हमारे से पहली जनरेशन को खूब रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी जी, उन्होंने जिस भारत के लिए मेहनत करके जंग लड़ी है, ऑलमोस्ट तलवारों से नहीं मगर अपने विचारों से। इट हमारी हिस्ट्री में एक कमाल का वो एपिसोड है और उस एपिसोड के बलबूते पे हम हैं। और आई यूज्ड टू बी टेरिबली प्राउड ऑफ व्हाट हैज़ गॉन बिफोर।